सुधारक जी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अपने गुरु के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अभी आपने सुना कृतिका श्रीवास्तव भोपाल से आई है संगीत ने अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाने और बहुत लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं इनका गाना, तो एक बार जोरदार तालियां कृतिका के लिए। अब उनके प्राउड फादर मदर भी यहाँ हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत है। सुधारक जी का जो काम है वो मैं तो ये कहूँगा कि संसार में ऐसे काम लोग कम करते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था और वो पिक्चर्स देख के एक पे मैंने इनको ये कहा कि ये जो ब्लैक एंड वाइट उन्होंने पिक्चर ली है ये इंटरनेशनल अवार्ड आराम से जीत सकती है अगर इसको हम वहाँ देखें। इतना खूबसूरत उसमें वो पोज है, खूबसूरत फीलिंग है, नेचुरल है, वो बिल्कुल किया नहीं गया है, वो अपने आप हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इनको पूरे विश्व में सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक से एक खूबसूरत यहाँ आइटम आपके सामने पेश की जाएंगे जिसमें लावणी भी है। ये सब सजी सजी जो राधा बैठी है ना, इतनी सारी, इन सब ने खूब तैयारी की है। मैंने 40-42 साल पहले एक फिल्म में गाना गाया था, फिल्म का नाम था शिरडी के साई बाबा, उसमें मैंने लावणी गाई थी। तो मैंने उसको गाने से पहले कई लोगों की गाई हुई लावणी सुनी जिसमें सुरोचना ताई का भी सुरम है, हमने सुना। तब मुझे लगा कि यार अब तो गा ही नहीं सकते, इतना मुश्किल काम है, क्योंकि लावणी सिंगिंग क्लासिकल सिंगिंग है, इसमें आपको तान सरगम सब आना चाहिए। अगर तान मुर्कियाँ गले में नहीं है तो लावणी नहीं गा सकते। तो मैंने कई कलाकारों को सुना, सुलोचना ताई को भी सुना और फिर मैंने वो गाया भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, आपको याद होगा, मैंने और दिलराज कौर ने गाया था। अब तो गा ही नहीं सकते यार, लेकिन मैं आपको दो लाइन एक भजन सुनाता हूँ, उसके बाद मुझे भी पहुँचना है। मेरा 7:30 जुहू हरे कृष्ण मंदिर हॉल में कॉन्सर्ट है, लेकिन मैं आपको दो लाइन सुना के जा रहा हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण
जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप लोग आनंद ले रहे हैं आज आज ग्रंथ इंट्रोडक्शन मी करून देणार आहे। ही माझ्यासाठी फार अभिमानाची गोष्ट आहे की मी त्यांच्याकडे शिकलेली आहे थोडे दिवस। आणि पांडुरंग भुटकर हे नाव महाराष्ट्रात कुणाला माहीत नसेल असं शक्य नाही, ज्यांना लोककलेची आवड आहे त्यांना तरी किमान। अलीकडेच त्यांना लोककलेसाठी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जाहीर झालेला आहे। त्याचं नाव ढोलकी सम्राट पांडुरंग भुटकर। त्यांच्या ढोलकीच्या वर जेव्हा बोटं पडतात तेव्हा आपण मंत्रमुग्ध होतो आणि त्याचा अनुभव आता आपण घेणार आहोत। मी थोडक्यात या वाद्याची ओळख करून देतो। मी गोंधळी समाजातला अंबाबाईच हे वाद्य आवडतं वाद्य दिवीच संबर दिवीच ह्या वाद्यांनी ह्या आजच्या कार्यक्रमाला मला जो हा मान दिला आहे सुरुवात करण्याचा हे मी माझं भाग्य समजतो। आणि आज एवढे मोठे प्रतिमहारथी समोर बसलेले काय चुकलं ते हे लोकवाद्य सांभाळून घ्या। लोकवाद्याच्या दृष्टिकोनातून याच्याकडे बघा। हे शास्त्रवाद्य नाही चुकणार, चुकतं होणारच। हे ताल सुरात एवढं वाजत पण नाही, पण मी अंबाबाईचं नाव घेऊन त्यांनी आपलं ढोलकी आणि सांभाळाचा थोडसा चेहरा आनंद द्यायचा प्रयत्न करतो। कृपया चुकलं तर माफ करा। आणि आमचे मला इथं निमंत्रित केल्याबद्दल सर्वांचे यांचे मी आभार मानतो। आणि माझ्या या
वाद्याला मी सुरुवात करतो, चुकलं तर माफ करा. गणपती बाप्पा आई राजा हे थोडं पाठी आहे, थोडं पाठी आहे, प्रदीप थोडं पाठी घे त्याला, अनिकेत पाठी हो थोडा, हे पाठी हा ये थोडा पाठी सर सर बॉस बॉस अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके विद्या बालन जी का तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और उनके स्वागत के साथ ही हम अगले
जी है जो कुछ गाने आपके सामने पेश करेंगे। वाह क्या बात है, एक डांस। फूल चढ़ते देखा था, जिंदा
थांबलं नाही पाहिजे. जोरात सर, सर एक फोटो, एक फोटो प्लीज, पूर्ण ग्रुप सोबत एक. आपल्याला प्रमुख कार्यक्रमाकडे वळायचंय प्लीज प्लीज. हा हे फोटोग्राफीचं प्रदर्शन ज्या कलेसाठी डेडिकेट आहे ती कला फार भाई सर लाइटर है यार. विद्याजी इकडे विद्याजी विद्याजी अब बैठो मैम बैठो बीच में बताइए प्लीज बीच में बताइए. अनुषा अनुषा सुधार कर बोला बोला अरे मैडम आगे मत बढ़िए. मोबाइल मोबाइल एक्सक्यूज मी आप ब्लॉग करो सर. मोबाइल पीछे विद्याजी इधर विद्याजी इधर विद्याजी इधर सामने अरे मोबाइल अरे मोबाइल पीछे हट जाना मैडम बाद में लीजिएगा सेल्फी. मैम रुकिए मैम आप मागच्या बाजूला रहा ना. कांग्रेचुलेशन थैंक यू. मी तिथे आहे बघ तिथे आहे मैम सर कॅन विश्वास जी मोबाइल मोबाइल अरे कौन है मोबाइल लेके घुस गया है. अरे मोबाइल मोबाइल मोबाइल
मोबाइल मैडम सर समोर बघा ना सर सर प्लीज अरे अरे इकडे वाली इकडे सर बॉस पुढे तो आहे कैमरा आ रहा है विद्या मैम लुकियो मैम लुकियो विद्या मैम लुकियो आलू मागे चला हलूहू मागे मागे बघा धक्का लागल थोडा वेळ आरामात आराम मागे बघा समोर अरे त्यांना दिसतच नाही अरे थोडं पाठी हॅलो थोडं पाठी चला मागे नागरदेव सर सुधाकर साहेब सुधाकर साहेब समोर फेस बघा ना पाठी सुधाकर सर बस बस एक मिनट इथे फोटो आहे फोटो काढतो फोटो करतो आम्ही निघतो नागरदेव पार्टी है ना तू पार्टी है ना बाबा पार्टी है थोड़ा ये पार्टी पीछे इकडे बोलो सर इकडे येताना सर ही फ्रेम द्या ना
लाइट ब्रो करा रहा है काला आ रहा है हम लोग मुझे नहीं आ रहा और करना भाई तो बड़ा मैडम फोन किसका यार फोन फोन नीचे आना थोड़ा भाई पीछे आना यार पीछे ले भाई थोड़ा भाग गया मोबाइल 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 जीतू भाई अरे भाई ऑप्शन नीचे करो पीछे ले लो नीचे मत कर नीचे तो हो क्या है विद्या जी विद्या जी सामने यहां पे अंबिका मैम आपका भी डांस से बहुत पुराना नजर आया आपके भी डांस के लोग मरते हैं आपके डांस में तो यहाँ का लाउडली जो परफॉर्मेंस आपने देखा वो देखकर आपको कैसा लगा काश कि मैं आपके बात पर विश्वास कर पाती क्योंकि मैंने ज़्यादा डांसिंग की नहीं है फिल्मों में वो थैंक यू वेरी मच पर लावनी मैं बचपन से देखती आ रही हूँ मुझे याद है मेरी माँ मराठी फिल्में देखती थी कभी कभी मुझे भी अलाउड था देखना मेरी और मेरी बहन साथ बैठ के देखते थे तो लावनी परफॉर्मेंसेज जब फिल्मों में आते तो जयश्री थी मीना थी उनके मैंने हाँ उनके मैंने डांसेस देखे हैं और फिर सुलोचना चौहान जी उनका मैंने देखा है पर वीडियो पर्सनली तो देखने का कभी मौका नहीं मिला पर लावनी हमारे कल्चर का इतना अहम हिस्सा है और मुझे मौका मिला मला जाऊदे करने का फरारी की सवारी में वो बहुत ही छोटी कोशिश थी पर लोग उसे याद करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है पर आज जिन लावनी डांसर्स को मैंने देखा मतलब मैं स्तब्ध रह गई और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी इस सुधारक को क्योंकि मेरा पहला फ़ोटोशूट जो है मैंने इनके साथ किया बॉम्बे टाइम्स के लिए और मुझे वो शूट अब भी आज भी बहुत अच्छी तरह याद है तो जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं तुरंत हाँकी क्योंकि मुझे पता है कि उनकी तस्वीरें जो हैं ज़िंदगी को कैद कर लेती हैं एक क्षण को एक मोमेंट को बहुत खूबसूरती से और इसीलिए आई वांटेड टू बी हियर स्पेशली बिकॉज लावनी डांसर्स को उन्होंने 20 इयर्स से कैप्चर किया है ऑन कैमरा और वो पद्मश्री सुधारक कोलवे हैं और क्या कहना है सुधारक
वो यहाँ आए और उन्होंने जो ओकेजन को ग्रेस किया, एंड शी इज़ ग्रेसफुल एक्टर, एंड वी एडोर एंड लव हर एज एन एक्टर. शी हैज़ ऑलवेज डज डिफरेंट फिल्म्स, नॉट लाइक अ टिपिकल, एंड शी इज़ ऑप्ट फॉर दिस सोशल सब्जेक्ट विच इज़ हियर, एंड आई एम थैंक एंड ग्रेटफुल टू हर माई ऑल लाइफ. Create a social impact, to touch people's lives, to change people's lives, and he's doing that. It's wonderful. Thank you. गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है. आरआरआर की पूरी टीम को बहुत 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 मुबारक. हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है. चलिए 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 गाइस, रास्ता दे दो. बघा सर इकडे. थैंक यू. या इट्स द लास्ट थिंग फ्रॉम फ्रंट. ये विद्या जी, आई विल सेंड यू. आई विल सेंड यू. आई विल सेंड यू. एक मिनट बैठे हो. ओके ओके. चलिए चलिए. ये चलिए लो पूरी पूरी. चलिए सेल्फी निकालो. हेलो चलो चलो दे दो दे दो. लता जी आ जाइए. चलो चलो लता जी आ जाइए. Thank you. दादा सर दादा साइड. सर जी